सबको नमस्कार। आज मैं आ पहुँचा हूँ गुड़गांव सेक्टर 45 और आज हमारे साथ हैं नीलम ढींगड़ा मैम और साथ में गौरव जी। तो मैं जानने के लिए आया हूँ कि जो भी हमारी तरकीब है वो इन तक पहुँच रही है और किस तरह से वो सफल हो रहे हैं या कहीं कमी रह गई है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत हमारी चलती है कि हम घर से निकलने वाले किचन वेस्ट को किस तरह से कंट्रोल करेंगे और किस तरह से सफल बागवानी की ओर लोगों को प्रेरित करेंगे। तो आइए जानते हैं मैम, कैसा लगा अभी तक आपको, कैसी जर्नी रही आपकी? सर थैंक यू, मैंने अभी 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया है और ग्रेट नॉलेज। आई मीन पहले क्या होता था कि क्वेश्चन मार्क रहते थे माइंड में और डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता था, इधर उधर देखना पड़ता था। तो अभी मुझे पता है कि प्रवीण जी से बात करनी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपका जो 1 घंटे का क्लास होता है उसमें मेरे भी क्वेश्चन आंसर होता है, बाकी लोगों के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी इतने रेलेवेंट होते हैं कि उससे भी नॉलेज मिलती है। बहुत अच्छा सर, बहुत मेरी सक्सेसफुल मतलब स्टोरीज आई रही, होप एंड विश कि बहुत जल्दी आप इस ग्रुप में, इस जर्नी में हमारे साथ हैं। साथ में गौरव जी से भी जानेंगे कि कैसा महसूस होता है जब आप एक साथ करते हैं ये काम। सर बहुत अच्छा महसूस होता है, हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है जी। और हमें गाइडेंस की जरूरत थी और वी केम अक्रॉस योर यूट्यूब चैनल, बहुत ही हेल्पफुल है। और सर आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे स्पेशल गाइडेंस आप देते हैं, तो आई थिंक वी आर सीइंग गुड इम्प्रूवमेंट and we hope for the best. And all the best. I am sure we'll get results. बहुत जल्दी हम लोग सफल होंगे और हमारी सफलता की दास्तान इस तरह से पहुंचेगी कि शहर में जो कचरे का पहाड़ आप जब देखते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं, उससे पहले वो इंगित करता है कि आओ अब लौट चले अपने शहर की ओर और शहर से गांव को कनेक्ट करें। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। और आपने बुलाया, इस तरह से मेहमान नवाजी की, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।